ऐसे 15 जिले पहले चरण में पूरी तरह लॉकडाउन करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। ये जनपद हैं आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बाराबंकी, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर। अभी बाराबंकी को हमने इसमें नहीं लिया, लेकिन ये जो बाकी शेष 15 जनपद हैं, ये सभी 15 जनपद पूरी तरह लॉकडाउन होंगे। मेरे इन सभी 15 जनपदों के सभी नागरिकों से अपील होगी कि वे कहीं बाहर न निकले, किसी भी कार्य के लिए अनावश्यक भीड़ न लगाएं, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर न जाएं, क्योंकि वे उस स्टेज पे खड़े हैं कि थोड़ी सी लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। और इस दिशा से इन 15 जनपदों को पूरी तरह जिला प्रशासन यहाँ पर पेट्रोलिंग होगी। जनता की सहायता के लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस की PRB 112 के हमारे लगभग 3,000 फोर व्हीलर, 1,500 टू व्हीलर, ये सुरक्षा के साथ साथ आवश्यक सामग्री पहुंचाने में भी हम इससे मदद करेंगे। इमरजेंसी में अगर किसी परिवार को कोई आवश्यकता होगी, PRB 112 उनकी सहायता के लिए खड़ा होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारे पास 108 की 2,200 एम्बुलेंसेज हैं, 102 की 2,270 एम्बुलेंसेज हैं और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 250 हैं। ये भी पूरे प्रदेश के अंदर जनता की सुविधा के लिए, उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, इमरजेंसी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध रहेंगी। मेरी इसलिए अपील होगी, एक पहले चरण में 15 जिले जो लॉकडाउन होने जा रहे हैं, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी, हर प्रकार की पूरी तरह लोग बंद रखेंगे। 23 से 25 तक कंटिन्यू रहेगा। हम लोग इसके बारे में कल एक बार फिर से इसका रिव्यू करेंगे। जिन जनपदों में, जहां पर खासतौर पर कल और आज में बड़ी मात्रा में मुंबई, सूरत और अन्य जगहों से बड़ी मात्रा में लोग आए हैं, नागरिक आए हैं, उनमें जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, कुशीनगर, झांसी, गाजीपुर, अयोध्या, बस्ती, बाराबंकी, देवरिया, बलिया, भदोही हैं, संत कबीर नगर, गोंडा, ये सभी जो जनपद हैं, इन सभी जनपदों में जो भी नागरिक हैं जो बाहर से आए हैं, वहाँ के जिला प्रशासन से भी, और जो लोग बाहर से आए हैं, मैं उनसे इस बारे में कहूँगा कि वे अपने घरों में ही रहें, इधर उधर न जाएं, परिवार वालों से मिलने, उनके साथ बैठे ना, अलग रहें तो अच्छा रहेगा। प्रशासन भी उन लोगों की सूची लेकर के उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करें। जहां पर थोड़ी भी उन्हें संदेह होता है, उन्हें तत्काल आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। उपचार की व्यवस्था निःशुल्क प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसके साथ ही जो हमारे शेष नेपाल की सीमा से जुड़े हुए 6 जनपद हैं, उन 6 जनपदों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और पीलीभीत, इन सभी 6 जनपदों में भी, नेपाल से सटे हुए जनपदों में भी लोग सतर्कता बरतें। मेरी अपील होगी कि जो लोग नेपाल से या बाहर से कहीं से आए हैं, वे पूरी तरह अपने घरों में ही रहें, घरों में भी परिवार के सदस्यों से दूर बैठ रहें, और कहीं भी उन्हें कोई संदेह होता है तत्काल उसकी सूचना दें। और प्रशासन भी इस बात का संज्ञान लेगा, प्रत्येक के घर में टीम जाएगी, देखेगी, इन चीजों को करेगी। अगर किसी को कोई संदेह हो या कहीं पर कोई व्यक्ति को लगता है कि उसको कोई आवश्यकता, इमरजेंसी में किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, तो आप PRB 112 को संपर्क करेंगे, या फिर अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, हमने डायल फ्री नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा डायल 108 और 102 के साथ साथ हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी हर जनपद में जनता की सुविधा के लिए सदैव
तत्पर रहेंगे। 23 से 25 तक उत्तर प्रदेश परिवहन की सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी सेवाएं एक तो बंद रहेंगी, साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश की इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को पूरी तरह बंद करने जा रहे हैं।